साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना त्यागी। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। आज हम खास तौर से बात करेंगे उड़द, आलू, लहसुन, सेब और टमाटर की, साथ ही जानेंगे मार्च और अप्रैल महीने के दौरान गेहूं के बाजार का जो भाव है उसका रुख क्या रहा है और आगे किस ओर जा सकता है इन जिन्सों का बाजार। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता। अनुज गुप्ता जी, आपका बहुत स्वागत है मंडी खबर में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं मंडी खबर में, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। राजकोट मंडी में 150 रुपए चढ़ा टमाटर का भाव, खन्ना मंडी में 1500 रुपए पर बिका टमाटर। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं टमाटर से। घरेलू स्तर पर टमाटर की पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर टमाटर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। वहीं अगर हम बात आवक की करें तो इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में टमाटर की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। शुक्रवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में टमाटर की आवक सामान्य देखने को मिली। भाव की बात करें तो 12 अप्रैल को टमाटर के सौदों में उठा पटक के साथ कारोबार हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान टमाटर के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 11 अप्रैल को टमाटर का भाव था 1000 रुपए, 12 अप्रैल को इसके भाव में 150 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 1250 रुपए। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान टमाटर के भाव में बढ़त देखने को मिली। यहां 11 अप्रैल को टमाटर का भाव था 1100 रुपए, 12 अप्रैल को इसके भाव में 100 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 1200 रुपए। पंजाब की खन्ना मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान टमाटर के भाव स्थिर रहे। यहां 11 और 12 को टमाटर 1500 रुपए पर बिका। उत्तर प्रदेश की मंडियों में टमाटर के भाव की बात करें तो यहां अलीगढ़ मंडी में टमाटर का भाव रहा 2100 रुपए, फिरोजाबाद मंडी में भाव रहा 1750 रुपए, गोरखपुर मंडी में भाव रहा 1550 रुपए और ललितपुर मंडी में टमाटर के सौदे 1780 रुपए पर हुए। बात टमाटर के पैदावार की करें तो इस साल टमाटर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 में टमाटर की पैदावार 20.62 मिलियन टन हुई, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान टमाटर की उपज 20.69 मिलियन टन रही थी। और हमारे साथ हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट स्टूडियो में हमारे साथ बने हुए अनुज गुप्ता जी, उनका रुख करते हैं। अनुज जी, टमाटर के बाजार भाव के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, टमाटर में हमने देखा है कि भाव में बढ़त आती हुई दिखाई दी है। मंडियों के अंदर आवक कम देखने को मिली है और कहीं ना कहीं जो डिमांड बढ़ी है उसका काफ़ी असर हमने भावों पे आते हुए देखा है और उसका असर हमने देखा है कि भाव थोड़े से ऊपर की तरफ आते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है कि अभी फिलहाल भाव थोड़े सीमित दायरे में रहेंगे, थोड़ी बहुत उठापटक हो सकती है, मगर ये भी है कि इस बार भारत के अंदर बंपर क्रॉप देखने को मिल सकती है, तो हमें लगता है कि ज़्यादा तेज़ी यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। बिल्कुल, और किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहने वाली है अनुज जी? हमें लगता है किसानों को अभी जो भी उछाल मिलता है वहाँ मंडियों का रुख कर सकते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि आगे जब नई क्रॉप की आवक स्टार्ट होगी तो भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे, तो जो भी उछाल मिलता है वहाँ मंडियों का रुख कर सकते हैं। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे अनुज जी। हम फिलहाल रुख कर लेते हैं हम अन्य सुर्खियों की तरफ। इलाहाबाद मंडी में 50 रुपए मजबूत होकर 8150 रुपए पर हुए सेब के सौदे। गुरुग्राम मंडी में 9000 रुपए पर रहा सेब का भाव। 20,55,000 टन के पार उड़द की पैदावार। गाजियाबाद मंडी में 8900 रुपए पर हुए उड़द के सौदे। और
और अब मंडी खबर में बात करते हैं सेब की। शुक्रवार को मंडियों में सेब के सौदों में उतार चढ़ाव के साथ कारोबार हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान सेब के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। बात आवक की करें तो इन दिनों देश की ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सेब की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। घरेलू स्तर पर इस साल सेब की पैदावार में बढ़ोतरी हुई है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी अंतिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 में सेब की पैदावार 25,89,000 टन हुई है, जबकि बीते साल इस दौरान सेब की उपज 22,76,000 टन हुई थी। शुक्रवार को देश की ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सेब के सौदों में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिला। फिलहाल मंडियों में सेब की आवक सामान्य है। एग मार्केट के मुताबिक हरियाणा की गुहाना मंडी में 11 अप्रैल को सेब का भाव रहा 8,500 रुपये, 12 अप्रैल को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 8,500 रुपये पर स्थिर रहा। इसी तरह राज्य की ही गुरुग्राम मंडी में बीते दो दिनों के दौरान सेब के भाव स्थिर रहे। यहाँ 28 और 29 मार्च को सेब 9,000 रुपये पर बिका। उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद मंडी में 11 अप्रैल को सेब का भाव रहा 8,100 रुपये और 12 अप्रैल को इसके सौदे 50 रुपये मजबूत होकर 8,150 रुपये पर हुए। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में सेब के भाव की बात करें तो यहां गाजियाबाद मंडी में शुक्रवार को सेब का भाव रहा 7,600 रुपये, बहराइच मंडी में भाव रहा 8,650 रुपये, जबकि अलीगढ़ मंडी में इस दौरान सेब के सौदे 8,100 रुपये पर हुए। बात ताजा फलों के निर्यात की करें तो देश से होने वाले कुल फलों के निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिली है। एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023-24 के लिए अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान कुल फलों का निर्यात 9 लाख टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल फलों का निर्यात 7,45,805 टन का हुआ था। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता। अनुज जी, आने वाले दिनों में सेब का भाव कैसा रह सकता है? देखिए, सेब में हमने एक उछाल आते हुए देखा है। मंडियों में आवक सीमित रही है, मगर कहीं ना कहीं डिमांड का असर भावों पे रहा है। हमें लगता है छोटी अवधि में भावों में उछाल आ सकता है, हालांकि आगे चलकर आवक बढ़ेगी तो भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल हमें लगता है कि अभी सेब के बाजार में उछाल का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, और किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहने वाली है? देखिए, हमें लगता है किसानों को जिनके पास छोटी अवधि के लिए है वो अभी होल्ड करके चल सकते हैं, रुक सकते हैं, क्योंकि हमें लगता है छोटी अवधि में उछाल देखने को मिल सकता है, मगर लंबी अवधि में हमें लगता है कि भावों में नरमी का रुख रहेगा। तो अगर छोटी अवधि का व्यू है तो किसान होल्ड करके चलें, और अगर लंबी अवधि का व्यू है तो जो भी उछाल मिलता है वहाँ बिकवाली कर सकते हैं। बिल्कुल अनुज जी, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे हम, लेकिन अब फिलहाल हम बात कर लेते हैं अरहर की। गुजरात की दाहोद मंडी में अगर हम अरहर की बात करें तो चलिए अरहर की हम बात करेंगे बाद में, लेकिन फिलहाल भाव की बात कर लेते हैं। हम अरहर के भाव की बात कर लेते हैं कि गुजरात की दाहोद मंडी में क्या भाव रहा है। 9,665 रुपये रहा है। और अगर अब आगे बात करें तो अरहर का अन्य ज़िलों में क्या भाव रहा है उस पर हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात होगी गेहूँ और उड़द की। प्राथमिकता का केंद्र कृषि, हर दिन नई इबारत, आत्मनिर्भर नया भारत, आधुनिक तकनीक और विज्ञान का मेल, किसानों की मेहनत है ये, नहीं है कोई आसान खेल। बीज से बाजार तक, अन्नदाता से खरीदार तक, खेती किसानी से जुड़ा हर मंथन जानने के लिए देखिए कृषि दर्शन। देखिए कृषि दर्शन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन किसान पर। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे उड़द के बारे में, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं गेहूं पर। गेहूं की अगर हम बात करें तो इन दिनों गेहूं के भाव की चाल क्या है और बीते एक महीने के दौरान गेहूं के औसत साप्ताहिक भाव किस तरह के रहे हैं, इस पर नजर डाल लेते हैं। मार्च और अप्रैल महीने के दौरान गेहूं के प्रमुख उपज वाले राज्यों में इसके भाव उठा पटक के साथ हुए। मार्च महीने के दूसरे हफ्ते के दौरान गेहूं का कुल औसत साप्ताहिक भाव 2573 रुपए प्रति क्विंटल था। तीसरे सप्ताह के दौरान गेहूं के औसत साप्ताहिक भाव में तेजी देखने को मिली और भाव 5 रुपए चढ़कर 2578 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। वहीं चौथे हफ्ते के दौरान गेहूं के सौदों में नरमी देखने को मिली और भाव 14 रुपए लुढ़क कर 2564 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। वहीं बात अप्रैल के महीने पहले हफ्ते की अगर हम करें तो यहां गेहूं के औसत साप्ताहिक भाव में 60 रुपए की गिरावट आई और भाव 2504 रुपए पर आ गया। अप्रैल महीने के दौरान गेहूं की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में इस दौरान खासी आवक देखने को मिली। कानपुर मंडी में गेहूं के भाव में घटत बढ़त रही। एग्रमार्केट के मुताबिक अप्रैल महीने की 1 तारीख को कानपुर मंडी में गेहूं का भाव रहा 2440 रुपए। 3 अप्रैल को इसके सौदों में 5 रुपए की तेजी आई और भाव 2445 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। 8 अप्रैल को यहां गेहूं के सौदे 35 रुपए लुढ़क कर 2410 रुपए पर हुए। 10 अप्रैल की बात करें तो यहां गेहूं के भाव में 20 रुपए की गिरावट आई और भाव 2390 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। और एक बार फिर चलते हैं अनुज जी के पास। अनुज जी से पूछ लेते हैं गेहूं का क्या रहने वाला है आगे भाव। अनुज जी, आगे चलकर गेहूं की क्या भाव रहने वाली है, क्या स्थिति रहेगी? देखिए, इस बार गेहूं की बम्पर क्रॉप हम भारत में एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आवक जो है वो शुरू होती हुई दिखाई दी है। हमने देखा है हरियाणा की कई मंडियों में आवक स्टार्ट होती हुई दिखाई दी और उसका असर भावों पे आ सकता है क्योंकि इस बार बम्पर क्रॉप है और क्वालिटी भी इस बार काफ़ी अच्छी है, तो हमें लगता है कि आने वाले टाइम में आवक जैसे जैसे बढ़ेगी भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल, अनुज गुप्ता जी बाजार के जानकार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनसे हम गेहूं के भाव की स्थिति जान रहे हैं और किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहने वाली है अनुज जी? देखिए, हमें लगता है किसानों को क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए क्योंकि आगे आवक बढ़ सकती है तो भाव नरम होंगे और हमें लगता है कि अभी किसानों को अच्छे दाम मिल रहे हैं तो किसानों को एक बार मंडियों का रुख कर लेना चाहिए और गेहूं को बेच के निकल जाना चाहिए। बिल्कुल, आप बने रहिए अनुजी हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। और अब बात कर लेते हैं चने की। चने की अगर हम बात करें, गुजरात की दाहोद मंडी में चने का भाव रहा 5815 रुपए, धोराजी मंडी में भाव रहा 5630 रुपए, हिम्मतनगर मंडी में भाव रहा 5660 रुपए और जामनगर मंडी में भाव रहा 6125 रुपए। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उड़द की। घरेलू स्तर पर इस साल कुल उड़द की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में कुल उड़द की पैदावार 20,55,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल उड़द की उपज 26,31,000 टन हुई थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में उड़द की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो एग्रमार्केट के अनुमान के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में 12 अप्रैल को उड़द का भाव रहा 10,105 रुपए। राजस्थान की कोटा मंडी में भाव रहा 8,200 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी की बात करें तो वहां भाव रहा 8,885 रुपए, जबकि राज्य की ही गाजियाबाद मंडी में इस दौरान उड़द के सौदे 8,900 रुपए पर हुए। प्रोटीन से भरपूर दालों के निर्यात की बात करें तो देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल कुछ कमी देखने को मिली है। एपिटा के मुताबिक साल 2023-24 में अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 4,56,435 टन का हुआ है, जबकि साल 2022-23 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 5,39,454 टन का हुआ था। यानी इस साल कुल दलहन के निर्यात में करीब 83,000 टन की कमी देखने को मिली है। और हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता जी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे पूछते हैं उड़द के भाव के बारे में। अनुज जी, आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं उड़द के भाव?
देखिए दालों में हम इस बार पैदावार कुछ कम देख रहे हैं और उड़द के अंदर भी हम थोड़ी सी पैदावार में कमी देख रहे हैं, जिससे कि आवक इफेक्ट होंगी और हो सकता है कि आगे चलकर आवक भी कम होती हुई दिखाई दे। हमने देखा है कि भाव फिलहाल तो अभी स्थिर हैं, मगर हमारा ये मानना है कि आगे चलकर भावों में उछाल देखने को मिल सकता है और उड़द के भाव भी ऊपर की तरफ आ सकते हैं। बिल्कुल, और आगे किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहने वाली है? हमें लगता है कि किसानों को दालों को उड़द को होल्ड करके चलना चाहिए, क्योंकि इस बार पैदावार भी कम है, हालांकि निर्यात भी इस बार कम हुआ है। हमें लगता है कि आगे चलकर डिमांड भी रहेगी तो भाव ऊपर की तरफ आ सकते हैं और एक किसानों को अच्छे दाम मिल सकते हैं। हमें लगता है किसानों को उड़द को और बाकी दालों को होल्ड करके चलना चाहिए। जी बिल्कुल, अनुज जी बने रहिए आप हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। और अब बात कर लेते हैं मूंग की। मूंग की दाल की अगर हम बात करें तो राजस्थान की जोधपुर मंडी का हम रुख करें, वहां के भाव आपको बताएं तो वहां मंडी में मूंग का भाव रहा 7,800 रुपए, कोटा मंडी में भाव रहा 7,932 रुपए, गुजरात की जामनगर मंडी में भाव रहा 8,700 रुपए, उत्तर प्रदेश की बहराइच मंडी में भाव रहा 8,750 रुपए। तो ये जो भाव हम आपको बता रहे हैं ये आवक और गुणवत्ता के आधार पर बता रहे हैं। और फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आगे जानेंगे लहसुन और आलू का हाल, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का मंडी खबर में। ब्रेक के बाद अब हम बात करेंगे आलू की। घरेलू स्तर पर इस साल आलू की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में आलू की कुल उपज 59.74 मिलियन टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान आलू की पैदावार 56.18 मिलियन टन रही थी। फिलहाल मंडियों में आलू की आवक सामान्य है। भाव की बात करें तो एक मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की सूरत मंडी में आलू का भाव रहा 1,800 रुपए, राजकोट मंडी में भाव रहा 2,000 रुपए, हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में आलू 1,000 रुपए पर बिका, जबकि राज्य की ही गोहाना मंडी में आलू के सौदे 1,100 रुपए पर हुए। बात सब्जियों के निर्यात की करें तो एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान ताजा सब्जियों के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान ताजा सब्जियों का निर्यात 24,58,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ताजा सब्जियों का निर्यात 23,67,000 टन का हुआ था। और बात कर लेते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता जी से। अनुज जी, आने वाले दिनों में आलू का भाव किस ओर जाता दिख रहा है? देखिए इस बार बम्पर क्रॉप हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आलू की, और पिछले साल के मुकाबले इस बार क्रॉप साइज़ भी ज़्यादा है। हमें लगता है कि आगे चलकर आवक बढ़ सकती है और क्वालिटी भी अच्छी है। हमें लगता है कि आगे चलकर आलू के भावों में आपको नरमी देखने को मिल सकती है, जैसे जैसे आवक बढ़ेगी भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल, और किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहने वाली है? हमें लगता है कि किसानों को क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए, क्योंकि बम्पर क्रॉप है और मौसम भी अनुकूल है, तो हमें लगता है कि आगे आवक बढ़ सकती है। तो हमारी सलाह है कि किसानों को अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए, आगे चलकर भाव नरम हो सकते हैं। जी बिल्कुल, अनुज जी बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। और अब बात कर लेते हैं ग्वार की। ग्वार की अगर हम बात करें, गुजरात की दीसा मंडी में ग्वार का भाव 5,025 रुपये रहा, भुज मंडी में भाव रहा 5,018 रुपए, राजस्थान की बाड़मेर मंडी में भाव रहा 5,150 रुपए और जयपुर मंडी में भाव रहा 4,923 रुपए। तो ये जो भाव हम आपको बता रहे हैं आवक और गुणवत्ता के आधार पर बता रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं मसूर की। मसूर में अगर हम बात करें राजस्थान की, मसूर की क्या स्थिति है भाव की राजस्थान में, तो राजस्थान की कोटा मंडी में भाव रहा 5,271 रुपए और उत्तर प्रदेश की बहराइच मंडी में भाव रहा 6,950 रुपए,
फैजाबाद मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा 6,650 रुपये और गाजीपुर मंडी में भाव रहा 6,820 रुपये। तो ये तमाम भाव जो हम आप देख रहे हैं और हम बता रहे हैं आपको, ये गुणवत्ता और आवक के आधार पर बता रहे हैं। और अब आखिर में बात कर लेते हैं लहसुन की। इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक लहसुन की पैदावार साल 2022-23 के दौरान 33,68,821 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन की उपज 35,23,436 टन रही थी। यानी इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की पैदावार बीते साल से 1,54,000 टन कम होने का उम्मीद है, जिसका असर लहसुन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य बनी हुई है। और भाव की बात करें तो एग मार्केट के मुताबिक हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में लहसुन का भाव रहा 15,000 रुपए। गुजरात की जामनगर मंडी में भाव रहा 10,225 रुपए। जम्मू कश्मीर की उधमपुर मंडी में लहसुन 22,000 रुपए पर बिका, जबकि पंजाब की लुधियाना मंडी में लहसुन के सौदे 5,500 रुपए पर हुए। और हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता जी से जानकारी ले लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि लहसुन का बाजार आगे कैसा रह सकता है, तो कैसा रहेगा आगे लहसुन का बाजार, अनुज जी बताइए। देखिए, लहसुन के अंदर हमें लगता है कि आवक सामान्य रहेगी, क्रॉप भी सामान्य है और भाव भी हमें लगता है मिले जुले कारोबार में रहेंगे। हालांकि आगे डिमांड बढ़ने की हमें लगता है अनुमान है, उससे भावों में तेजी आ सकती है, मगर फिलहाल अभी जिस तरीके का आवक चल रही है लगता है कि भाव अभी सीमित दायरे में रह सकते हैं। बिल्कुल अनुज जी, आपका बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में आए और हमारे किसान भाइयों को तमाम जानकारी आपने दी, आपका बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज जी, जिन्होंने हमारे किसान भाइयों को तमाम कृषि जिन्सों के बारे में ये जानकारी दी। तो आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद ज़रूर मिल रही होगी। हम आपको एक QR कोड दिखाने जा रहे हैं, जिसको स्कैन करके आप DD किसान के YouTube चैनल पर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।